समीरा सिद्दीकी और आ गई हूँ अपने घर से छुट्टियां मनाकर। एंड आई होप कि स्तुति ने आपके डेली डोज ऑफ क्रिप्टो सीरीज को कंटिन्यूड रखा होगा। आज मैं आई हूँ एक बार फिर क्रिप्टो फिल्टर्स के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, इंडिया में ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही इंडिया में बढ़ रहा है NFT का क्रेज। अगर आपको याद हो तो हाल ही में हमने आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने आपको NFT के बारे में बताया था। इस वीडियो में हमने आपको ये भी मेंशन किया था कि बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन NFT से जुड़ चुके हैं। और हाल ही में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि अमिताभ बच्चन की NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन की इंडिया में हाईएस्ट बिड लगी है। आज के वीडियो में हम उसी पर बात करते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन मधुशाला ऑटोग्राफ पोस्टर्स और कलेक्टिबल्स की अराउंड $1 मिलियन के अमाउंट की बोली लगी है। इंडियन रुपए में देखा जाए तो ये अमाउंट 7 करोड़ से भी ज्यादा है। बियॉन्ड लाइफ क्लब द्वारा आयोजित ये ऑक्शन शुरू हुआ था 1 नवंबर को और ये 4 नवंबर तक चला। इन 3 दिनों में अमिताभ बच्चन के नॉन फंजिबल टोकन की बहुत भारी बोलियां भी लगी। अंत में जिस NFT की सबसे ज्यादा बोली लगी है वो है अमिताभ बच्चन की खुद की आवाज में रिकॉर्ड की गई उनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत मशहूर पोयम कलेक्शन मधुशाला, जिसके बारे में आई एम श्योर आप सभी ने सुना ही होगा। बच्चन सर की मधुशाला NFT कलेक्शन की इंडिया में सबसे हाईएस्ट बिड लगी है, जो है टोटल $7,56,000, जो इंडियन रुपीज में है अराउंड 5.5 करोड़। इसके अलावा नीलामी में उनके 7 आइकॉनिक मूवीज के ऑटोग्राफ पोस्टर्स और 6 पंग और NFT एंड पोस्टर्स के कलेक्शन भी थे, जिसकी बोलियां पहले ही दिन में $1,00,000 पहुंच गए। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। इसके साथ उस ऑक्शन में थे 5,000 लूट बॉक्स जिसकी कीमत थी $10। हर एक बायर जो ये लूट बॉक्स खरीदता है उसे सुनिश्चित एक पीस NFT कलेक्टेबल्स में से दिया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे लूट बॉक्स 54 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गए, यानी कि सारे के सारे बिक गए। इन सारे लूट बॉक्स की कीमत बनती है $50,000, मतलब कि 1 घंटे से भी कम के समय में अमिताभ बच्चन के फैंस ने उन्हें $50,000 का मुनाफा करा दिया, वो भी पहले ही दिन। शायद यही रीजन है कि जिस वजह से हमारे देश में NFT इतना प्रचलित हो रहा है। यहाँ फैंस की कमी तो है नहीं, और यही प्यार देखकर सिंगर मीका सिंह और रैपर रफ्तार भी इस रेस में जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, थी ना ये बहुत ही कमाल की बात। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कुछ ऐसी ही है, यहाँ फ्रॉम रैक्स टू रिचेस चुटकियों में बना जा सकता है एंड अनफॉर्चुनेटली वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। और अगर कुछ फिक्स्ड है तो वो है हमारा चैनल, जहाँ ये फिक्स है कि हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय।